स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मिसेंस्टॉल एक्सपेरिमेंट। प्रीवियसली वी डिस्कस्ड अबाउट द थ्री मॉडल्स रिगार्डिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो उसमें हमने एक मॉडल स्टडी किया सेमी कंजर्वेटिव, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि डॉटर डीएनए के दो स्ट्रैंड्स में से एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कंजर्वेटिव हमने मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल, जो दो डॉटर डीएनए बनते हैं तो उनमें एक डॉटर डीएनए तो फुली का फुली पेरेंटल डीएनए ही होता है, मतलब कि पेरेंटल डीएनए को हम ओरिजिनल फॉर्म में कंजर्व कर लिया जाता है, और जो दूसरा डॉटर डीएनए बनता है तो वो उसी पेरेंटल डीएनए का एक एग्जैक्ट रेप्लिका तैयार हो जाता है और उस रेप्लिका के दोनों स्ट्रैंड्स न्यूली सिंथेसाइज्ड होते हैं। फिर हमने डिस्पर्सिव मॉडल में पढ़ा कि पेरेंटल डीएनए डिस्पर्स हो जाता है, मतलब बिखर जाता है इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और फिर उन फ्रेगमेंट्स के दरमियान जो मिसिंग पार्ट्स होते हैं तो उन फ्रेगमेंट्स को न्यूली सिंथेसाइज्ड कर लिया जाता है। तो इस तरीके से एक डॉटर डीएनए मिक्सचर होता है पेरेंटल डीएनए के फ्रेगमेंट्स का और न्यूली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स का। तो फिर 1958 में मैथ्यू मिसेंसन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने ये टेस्ट करना चाहा कि इन तीनों मॉडल्स में से सबसे करेक्ट मॉडल कौन सा है डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे बैक्टीरिया के ऊपर, और बैक्टीरिया था एक्सक्रीशिया कोलाई, जिसको हम सिंपली इकोलाई कहते हैं। ये एक कॉमन सा बैक्टीरिया होता है, हर जगह मौजूद होता है। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है आफ्टर 20 मिनट्स, मतलब हर 20 मिनट बाद ये बैक्टीरिया खुद को डबल कर लेता है। और इस बैक्टीरिया के डीएनए में जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं तो उनमें उन नाइट्रोजीनियस बेसिस में लाइट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, दैट इज N14। तो साइंटिस्ट ने वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया लिए, वाइल्ड टाइप मीन के नॉर्मल बैक्टीरिया लिए, और उनको ग्रो करवाया गया एक मीडियम के ऊपर। मीडियम हम किसको कहते हैं, मतलब जब हम लैब कंडीशन के अंदर कंट्रोल इन्वायरमेंट में पैट्री डिश के अंदर जिस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना चाहते हैं तो उस पैट्री डिश में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की सारी रिक्वायरमेंट्स डाल देते हैं, जो जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए वे होते हैं अपने ग्रोथ के लिए, तो वो हम उस पैट्री डिश में डाल देते हैं और फिर उस ऑर्गेनिज्म को हम इस पैट्री डिश में रख देते हैं। तो इस तरीके से एक मीडियम तैयार हो जाता है उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस मीडियम में बाकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह के साथ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन भी डाल दिया था, और वो नाइट्रोजन था N15। तो बैक्टीरिया को इस मीडियम में रखा गया ताकि वो रेप्लिकेशन करता रहे और अपनी मेनी मेनी जनरेशन बनाता रहे। तो इस तरीके से इस N15 मीडियम में बैक्टीरिया रेप्लिकेट होता रहा और अपनी जनरेशन बनाता रहा, क्योंकि 20 मिनट बाद बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर जाता है, तो लिहाजा मैनी मैनी जनरेशन्स बनाने में जस्ट उसको 2 या 3 डेज ही चाहिए होते हैं। यहाँ पे जो बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर रहे थे और जो उनमें डीएनए बन रहा था, तो उन डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेसिस बन रहे थे तो वो N15 के साथ थे, क्योंकि ये अपना डीएनए बनाने के लिए नाइट्रोजन अपने मीडियम से उठा रहे थे और मीडियम में इनके N15 मौजूद था। तो इस तरीके से बैक्टीरिया बन गए जिनमें नाइट्रोजीनियस बेसिस N15 के थे। फिर जब बहुत ज़्यादा जनरेशन्स बन गई थी बैक्टीरिया की इन N15 मीडियम के ऊपर, तो यहाँ से बैक्टीरिया को उठा लिया गया और एक दूसरे मीडियम में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, और उस मीडियम में डाला गया था लाइट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि N14 मीडियम में ऐड किया गया था। तो जब बैक्टीरिया को इस दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र किया गया तो फिर यहाँ से बैक्टीरिया के सैंपल्स को कलेक्ट किया गया, सैम्पलिंग की गई बैक्टीरिया की, बट वो सैम्पलिंग डिफरेंट टाइमिंग्स में की थी। फर्स्ट कलेक्शन तब की गई थी इस N14 मीडियम से जब बैक्टीरिया को इस मीडियम में ट्रांसफ़र किया गया था, मतलब आफ्टर 0 मिनट्स। 0 मिनट्स का मतलब ये है कि उसी टाइम कुछ बैक्टीरिया को यहाँ से निकाल दिया गया था, तो इसको हम कहते हैं सैम्पल्स एट 0 मिनट्स, क्योंकि उनको उसी टाइम ही उठा लिया गया था जब N15 मीडियम से उनको N14 मीडियम में ट्रांसफ़र किया गया था। और दूसरी टाइम कलेक्शन तब की गई थी जब बैक्टीरिया को इस मीडियम में पड़े हुए 20 मिनट हो चुके थे। आफ्टर 20 मिनट्स फिर कुछ बैक्टीरिया के सैंपल्स को कलेक्ट किया गया और उन बैक्टीरिया को कहा गया सैंपल्स एट 20 मिनट्स। इसी तरीके से थर्ड टाइम जो कलेक्शन की गई थी वो तब की गई थी जब बैक्टीरिया को इस मीडियम में पड़े 40 मिनट्स गुजर चुके थे। तो आफ्टर 40 मिनट्स फिर तीसरी दफ़ा के लिए कलेक्शन की गई थी और इन बैक्टीरिया को कहा गया था सैंपल्स एट 40 मिनट्स।
मतलब कि एक उसी टाइम कलेक्शन की गई थी बैक्टीरिया की, दूसरी दफ़ा 20 मिनट्स बाद कलेक्शन की गई थी, और तीसरी दफ़ा आफ्टर 40 मिनट्स बाद कलेक्शन की गई थी। तो जब सैम्पल्स कलेक्ट हो गए थे डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स में, तो यहाँ से जो बैक्टीरिया थे जो कलेक्ट किए गए थे 0 मिनट में, तो उन बैक्टीरिया से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया और उस डीएनए को सोल्यूशन फॉर्म बनाने के लिए एक सोल्यूशन में मिक्स कर दिया गया था, और वो सोल्यूशन था सीजियम क्लोराइड का। सीजियम क्लोराइड को इसलिए लिया था क्योंकि सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी और डीएनए की डेंसिटी एक जैसे होती है, तो इसलिए डीएनए को इस सोल्यूशन में मिक्स कर दिया गया था। इसी तरीके से जो 20 मिनट्स बाद सैंपल लिए थे तो उनका भी डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया और सोल्यूशन फॉर्म में लाने के लिए उस डीएनए को सीजियम क्लोराइड में मिक्सअप किया गया। इस तरीके से 40 मिनट्स बाद जो सैंपल्स लिए गए उनका भी डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया और उसको सीजियम क्लोराइड में मिक्स कर दिया था ताकि डीएनए सॉल्यूशन फॉर्म में आ सके। और फिर ये जो मिक्सचर तैयार हो गया था डीएनए का अलोंग विद द सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन को उठाकर सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख दिया था और वहाँ पर इस सॉल्यूशन को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन दी गई थी। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन हम करते हैं तो उस मिक्सचर में जो हैवी हैवी चीज़ें होती हैं तो वो नीचे बैठ जाती हैं, हैवी मटेरियल नीचे बैठ जाता है, और जो लाइटर सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर चले जाते हैं। तो इसी तरीके से जब इस वाले सैंपल्स की सेंट्रीफ्यूगेशन की गई तो इनका जो डीएनए था तो वो बॉटम की तरफ देखा गया, और ये वाले जो सैंपल्स थे जिनको कलेक्ट किया गया था आफ्टर 20 मिनट्स, तो इनका डीएनए कहाँ पर अपेयर हुआ, इंटरमीडिएट पोजीशन पर। और इन वाले सैंपल्स का जो डीएनए एक्सट्रैक्ट करके सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाया गया था और जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन की गई थी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगेशन करना, तो इन सैंपल्स के डीएनए दो जगहों पर नजर आए, एक टॉप पर नजर आए और दूसरा इंटरमीडिएट पोजीशन पर। तो फिर इन रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन की गई थी। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, जब भी हम रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स होते हैं तो उनको हमेशा हम कंपेयर करते हैं कंट्रोल्ड सैंपल्स के साथ। कंट्रोल सैंपल वो वाले बैक्टीरिया थे जिनको हम N15 या N14 मीडियम में नहीं रखा गया था, बस वो एक वाइल्ड टाइप के बैक्टीरिया थे, उनका जो डीएनए था वो नोन था कि इसमें कोई भी हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का मौजूद नहीं है, नोन डीएनए था उनका, तो उनका भी डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया और उसको भी सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ मिक्सअप करके सेंट्रीफ्यूगेशन की गई थी। तो जो कंट्रोल सैंपल्स का डीएनए था तो वो टॉप पर नजर आया था, जो 0 मिनट सैंपल्स का डीएनए था तो वो बॉटम की तरफ था, और जो 20 मिनट्स बाद सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे तो उन बैक्टीरिया का डीएनए मिडल पोजीशन में, इंटरमीडिएट पोजीशन में अपेयर हुआ था, और जो 40 मिनट्स बाद सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे उनका डीएनए दो जगहों पर अपेयर हुआ था, एक टॉप के ऊपर और एक जो है तो वो इंटरमीडिएट पोजीशन पर अपेयर हुआ था। तो ये जो इसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस थी डीएनए की, तो ये क्यों थी, थोड़ा इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। जब साइंटिस्ट ने सैंपल्स को उसी टाइम कलेक्ट किया जब वो N14 वाले मीडियम में ट्रांसफ़र हुए थे, तो उन बैक्टीरिया ने मीडियम को अभी यूटिलाइज नहीं किया था क्योंकि हमने तो उनको डायरेक्टली निकाल दिया था, तो लिहाजा यहाँ पर जो डीएनए था तो उसके पास दोनों स्ट्रैंड्स ऐसे थे जिसमें इन्होंने N15 को इनकॉर्पोरेट किया था अपने नाइट्रोजीनियस बेसिस में, तो ये जो डीएनए था इसके दोनों स्ट्रैंड्स N15 और N15 के साथ थे, क्योंकि अभी तो वो ट्रांसफ़र हुआ था, अभी तो उसने रेप्लिकेशन नहीं की थी, इसने अपना प्रीवियस जो मीडियम था उसी को यूटिलाइज करके अपना डीएनए बनाया था। तो N15 हैवी आइसोटोप था नाइट्रोजन का, इसलिए जब इन सैंपल्स की सेंट्रीफ्यूगेशन की गई थी तो डीएनए हैवी होने की वजह से वो बेस पर अपेयर हुआ था। अब जब सैंपल्स को 20 मिनट्स बाद कलेक्ट किया गया तो इट मीन के बैक्टीरिया की डीएनए ने एक दफ़ा रेप्लिकेशन कर ली थी, और उस रेप्लिकेशन के लिए इसने जो दूसरे स्ट्रैंड्स बनाए थे तो उनमें जो नाइट्रोजीनियस बेसिस थी उसके लिए अपना मीडियम यानी कि N14 वाला मीडियम यूटिलाइज कर लिया था और अपने नाइट्रोजीनियस बेसिस N14 के अकॉर्डिंग बनाए थे। तो फिर यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स थे दोनों N15 के साथ ये सेपरेट हो गए थे इस तरीके से,
ये एक सेपरेट हो गया और ये दूसरा जो पेरेंटल स्टेम है तो वो सेपरेट हो गया। अब ये क्या करते हैं कि ये मीडियम को यूटिलाइज करके जो इस पेरेंटल डीएनए है इसका कंप्लीमेंट्री हम तैयार करते हैं, तो उसमें ये N14 डालते हैं इस तरीके से। तो ये एक N15 का रेड से जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ और ये जो ब्लू सा है तो ये N14 का था। अब ये हमारे पास एक हाइब्रिड बन चुका है। इस तरीके से ये जो पेरेंटल स्टैंड है इसी के अकॉर्डिंग भी एक कम्प्लीमेंट्री तैयार हो गया था, और ये एक N15 का स्टैंड था इसके पास जो कि पेरेंटल स्टैंड है और एक N14 का था। हम इसको लिख लेते हैं, ये हाइब्रिड है, इसके एक स्टैंड में N14 है और दूसरे स्टैंड में N15 था। तो अब अगर ये N14 का होता जिस तरीके से इन्होंने कंट्रोल सैंपल का किया था, तो कंट्रोल सैंपल का जो डीएनए था चूँकि उसने तो कोई भी हैवी आइसोटोप नहीं यूज़ किया था, वो तो नॉर्मल नाइट्रोजन फॉर्म के साथ ही कंट्रोल सैंपल अपने डीएनए को बनाते हैं, तो जो कंट्रोल सैंपल का डीएनए था तो वो टॉप पर अपेयर हुआ था क्योंकि वो लाइट नाइट्रोजन के साथ होता है। तो कंट्रोल्ड सैंपल्स का इनको पता था कि वो डीएनए टॉप पर अपेयर होता है क्योंकि लाइटर होता है। तो अब यहाँ पे ये जो डीएनए बन गए थे जिसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड था हैवी आइसोटोप के साथ और दूसरा जो स्ट्रैंड था वो न्यूली सिंथेसाइज था और उसमें इन्होंने N14 को इनकॉर्पोरेट किया हुआ था, तो अब ये तो N14 वाली जगह पर भी नहीं जा सकता है, मतलब टॉप पर भी नहीं जा सकता है और बॉटम पर भी नहीं आ सकता है क्योंकि इसके ये तो हाइब्रिड है। तो लिहाजा इसने N14 और N15 के दरमियानी पोजीशन को सेलेक्ट कर लिया था और ये इस तरीके से मिडल पोजीशन पर आ गया था, ना टॉप पर गया ना बॉटम पर आया बल्कि इंटरमीडिएट पोजीशन पर आ गया था क्योंकि हाइब्रिड थे, वन स्टैंड N14 और दूसरा स्टैंड N15 के साथ था। अब जब सैंपल्स को 40 मिनट्स बाद कलेक्ट किया गया तो इट मीन के बैक्टीरिया की सेकंड जनरेशन आ गई थी, बैक्टीरिया ने दो टाइम्स के लिए रेप्लिकेट किया। तो अब क्या हुआ कि ये जो अब ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स बन गए हैं तो अब ये सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, ये एक स्ट्रैंड इस वाले पेरेंटल डीएनए का सेपरेट हुआ और ये इसका दूसरा जो स्ट्रैंड है तो वो सेपरेट हुआ। इस तरीके से इस वाले डीएनए का भी ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हुआ और ये जो है दूसरा इसका स्ट्रेंथ सेपरेट हुआ। अब इन्होंने क्या किया कि मीडियम को यूटिलाइज किया और इन वाले पेरेंटल स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग नया नया स्ट्रेंथ बना दिया था, लेकिन उसमें N14 इनकॉर्पोरेट किया था क्योंकि मीडियम में N14 था। तो ये देखिए इस तरीके से ये इसके अकॉर्डिंग कम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ बन गया था, एक रेड और एक ब्लू के साथ। ये भी पेरेंटल स्ट्रेंथ था तो इसके अकॉर्डिंग भी ये बन गया था N14 का वाला स्ट्रेंथ, और ये जो स्ट्रैंड है इसके अकॉर्डिंग भी इस तरीके से बन गया था, और ये जो स्ट्रैंड है पेरेंटल स्ट्रैंड इसके अकॉर्डिंग भी एक कम्प्लीमेंट्री बन गया था। तो अब यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला जो डीएनए है तो इसमें दोनों स्ट्रैंड्स N14 के हैं, जबकि ये वाला और ये वाला ये अगेन हाइब्रिड है, इसमें एक स्ट्रैंड N14 का है और जो दूसरा स्ट्रैंड है तो वो N15 का है। इस तरीके से इसमें भी ऐसे ही है। तो अब इसके पास दो टाइप के डीएनए आ गए, एक वो वाले डीएनए जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स N14 के हैं और दूसरे वो वाले डीएनए जिसमें N14 और N15 के स्ट्रैंड्स मौजूद हैं, हाइब्रिड है। तो जो हाइब्रिड है तो वो इंटरमीडिएट पोजीशन ले लेते हैं क्योंकि हाइब्रिड है, ना N14 वाली जगह पे जा सकते हैं ना N15 वाली जगह पे जा सकते हैं बल्कि इंटरमीडिएट पोजीशन पर आ जाते हैं ये वाला और ये वाला। और ये जो लाइटर नाइट्रोजन फॉर्म के साथ थे तो चूंकि ये लाइटर थे तो लिहाजा इनका डीएनए टॉप पर अपेयर हुआ था, जिस तरीके से कंट्रोल सैंपल का टॉप पर अपेयर हुआ था इस तरीके से इनका जो डीएनए है तो वो भी टॉप पर अपेयर हुआ था। तो ये इस तरीके से जो डीएनए की पोजीशन थी तो उस बेसिस पर इंटरप्रिटेशन की गई थी कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, इस सारे एक्सपेरिमेंट का ये कंक्लूजन निकाला गया था कि डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल अकॉर्डिंग होती है। कंजर्वेटिव मॉडल या डिस्पर्सिव मॉडल को फिर रिजेक्ट कर दिया गया था, उसको नहीं एक्सेप्ट किया गया था क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव स्टाइल से होती है। थोड़ा सा हम इसको रिपीट भी कर लेते हैं।
सबसे पहले हम कंट्रोल सैंपल की बात करते हैं, तो कंट्रोल सैंपल ने तो कोई भी हैवी आइसोटोप वाला मीडियम नहीं यूटिलाइज किया था, लिहाजा उसके दोनों स्ट्रैंड्स नॉर्मल थे, N14 के साथ थे। तो जब इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन की गई तो चूंकि दोनों स्ट्रैंड्स लाइटर थे, हैवी नहीं थे, उनकी डेंसिटी कम थी, तो लिहाजा वो टॉप पर अपेयर हुए। फिर जो 0 मिनट सैंपल लिया गया था उनको उस टाइम कलेक्ट किया गया था जब उनको ट्रांसफ़र किया गया था N15 वाले मीडियम से N14 वाले मीडियम में। तो चूंकि अभी उन्होंने N14 वाला मीडियम नहीं यूटिलाइज़ किया था, इसलिए जो बैक्टीरिया के अंदर DNA मौजूद था तो वो उसी N15 वाले मीडियम के अकॉर्डिंग तैयार हुआ था। तो लिहाजा जब इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की गई तो ये तो दोनों हैवी आइसोटोप्स थे नाइट्रोजन के, तो लिहाजा DNA हैवी था और वो बॉटम पर अपेयर हुआ था। और जो 20 मिनट्स बाद सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे तो इट मीन के जो पड़े हुए बैक्टीरिया थे उस N14 वाले मीडियम में, तो उन्होंने एक दफ़ा रेप्लिकेशन कर ली थी उनके DNA ने, क्योंकि 20 मिनट्स गुजर चुके थे और 20 मिनट्स बाद ये बैक्टीरिया रेप्लिकेशन करता है। तो अब इन्होंने क्या किया कि एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड था जो N15 के साथ था, और एक उन्होंने मीडियम को यूटिलाइज़ करके न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया था जिसमें N14 था। तो अब चूंकि ये दोनों हाइब्रिड थे इसलिए वो N14 वाली जगह पर भी नहीं जा सकते हैं और वो N15 वाली जगह पर भी नहीं आ सकते थे, तो लिहाजा इन दोनों के इंटरमीडिएट पोजिशन पर आ गए थे। और फिर जब 20 मिनट्स बाद सैम्पल्स को कलेक्ट किया गया था, 40 मिनट्स गुजर चुके थे, तो लिहाजा जो बैक्टीरिया है उसके DNA ने दो दफ़ा रेप्लिकेशन कर ली थी। तो ये जो सैम्पल्स थे 40 मिनट्स बाद जो कलेक्ट किए गए थे तो उनमें 2 टाइप का DNA बना था, एक वो जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स N14 के थे और दूसरा वो DNA था जिसमें जो हाइब्रिड था जिसमें एक स्ट्रैंड N14 का था और दूसरा स्ट्रैंड N15 का था। तो इसलिए इन सारे DNA की पोजीशन के बेसिस पर जो कंक्लूजन निकाली गई थी इस एक्सपेरिमेंट की वो ये थी कि DNA रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से होती है।